नमस्कार, मैं रविश कुमार। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के टूटने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह प्रश्न अगर यूपीएससी में आ गया तो इसका उत्तर लिखते वक्त छात्रों को कई बार अनुसार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के अनुसार गठबंधन टूटना बीजेपी की विफलता है। राजनाथ सिंह के अनुसार नीतीश कुमार की वजह से गठबंधन टूटा। तथ्य यह है कि दोनों अलग हैं, अब दोनों के अपने अपने सत्य हैं। दोनों तरफ के लोग गूगल कर पुराने पुराने बयान निकाल रहे हैं। इस प्रक्रिया में दोनों को कुछ अपने खिलाफ भी बयान मिल ही जाते होंगे। सोमवार शाम से बीजेपी नीतीश के 2003 के एक बयान को प्रचारित कर रही है, जिसमें नीतीश कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई बहुत दिनों तक गुजरात के दायरे में नहीं रहेंगे, देश को उनकी सेवा मिलेगी। बहुत काम हुआ गुजरात में, अब गुजरात की बाहर एक अलग छवि, खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी की अलग छवि प्रसारित की जाती है। गुजरात की छवि को बिगाड़ने का प्रयास होता है। भाषण सरकारी और राजनीतिक दोनों है, लेकिन नीतीश कुमार ने आज कहा कि सरकारी कार्यक्रम में तारीफ करने की परंपरा है, आलोचना नहीं होती। मगर क्या यह कहना पर्याप्त है कि जो कुछ हुआ वह तो एक दाग है, बदनुमा धब्बा, लेकिन हम उसी को याद करते रहें और बाकी चीजों को भूल जाएं, ठीक नहीं। यह नीतीश का बयान है। क्या इसमें राजनीतिक टोन नहीं है? चिंता मत कीजिए, ऐसे बयान तो बीजेपी के तरफ से भी निकल आ रहे हैं। गूगल कर रहा था तो स्मृति ईरानी का एक बयान निकल आया, दिसंबर 2004 का। ईरानी चांदनी चौक से लोकसभा सीट हार गई थी और मोदी को इसका कारण बता रही थी। तब ईरानी ने कहा था कि अगर मोदी को नहीं हटाया गया तो वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी, अटल जी के जन्मदिन से इसकी शुरुआत करेंगी। जब पूछा गया कि नेताओं से, आपने पूछ लिया है बड़े नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, पूछने की जरूरत नहीं। आज स्मृति ईरानी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं और मोदी प्रशंसक भी। नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगने वाली स्मृति ईरानी बीजेपी में रह सकती हैं, वहीं मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित ना करने की मांग करने वाले नीतीश कुमार एनडीए से जाने के लिए मजबूर उन्हें होना पड़ता है। मंगलवार को बिहार में बीजेपी विश्वासघात दिवस मनाने जा रही है। नीतीश कहते हैं कि विश्वासघात तो बीजेपी ने हमारे साथ किया है, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते वे विश्वासघात का आरोप हम पर ना लगाए। शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि आपको रेल मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अब प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। इस भिड़ंत में नरेंद्र मोदी की छवि भी एक पिछड़े नेता की तरह गढ़ी जा रही है। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने आज टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कोई ओबीसी का नेता इसीलिए नहीं हो जाता कि समाज में पैदा हुआ है। समाज उन लोगों को नेता मानता है जो ओबीसी के संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि वे पिछड़ों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। तभी चौधरी चरण सिंह जाट होने के बाद भी पूरे उत्तर भारत में पिछड़ों के नेता बन गए। बीजेपी में कई पिछड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, कल्याण सिंह, उमा भारती, जो कॉरपोरेट की चिंताओं के लिए ही जाना जाता हो वो ओबीसी का नेता बनने की उम्मीद नहीं कर सकता। ये निम्न कोटि का जातिवाद है, लो लेवल का कास्टिज्म है। जाति को लेकर कल बीजेपी की तरफ से दो प्रकार के बयान आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा था कि भाइयों बहनों, भाजपा जाति अथवा मजहब की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। उससे पहले पटना में सुशील कुमार मोदी कह चुके थे कि कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जिसकी पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की संभावना दिखाई पड़ रही है, उससे कई लोग घबरा गए हैं। देख लीजिए एनडीए के टूटने के दुख किस किस तरह से मनाए जा रहे हैं। कुर्ता फाड़ होली का माहौल है। पुराने बयानों से क्या बीजेपी नीतीश को सांप्रदायिक साबित करना चाहती है? क्या इन बयानों के छींटे खुद बीजेपी पर नहीं पड़ रहे हैं? इस झगड़े में एनडीए का सवाल छूटता चला जा रहा है। बीजेपी अपनी गंभीरता सिर्फ नीतीश पर हमला कर साबित नहीं कर सकती। यह सवाल मौजूद है कि एनडीए का क्या होगा? क्या इसका नेशनल एजेंडा समाप्त माना जाएगा? क्या बीजेपी धारा 370 कॉमन सिविल कोड की तरफ लौटेगी? क्या हिंदुत्व की राजनीति के लिए भी बीजेपी अब आजाद है? क्या बीजेपी चुनाव में अकेले उतरने जा रही है? क्या बीजेपी अब दबाव मुक्त मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देगी? लेकिन इसी संदर्भ में आडवाणी ने राजनाथ सिंह से कहा है, ये जो खबर आई है कि बीजेपी को सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में जाना चाहिए, अगर एक नेता के तहत गए तो एनडीए समाप्त हो जाएगा, जो कि अब 2-3 दलों तक सिमट गया है। यह सब जब लिख रहा था तो टीवी स्क्रीन पर मनमोहन सिंह के बयान आज फ्लैश होने लगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नीतीश कुमार को धर्मनिरपेक्ष बता रहे थे और सभी सेकुलर दलों को का साथ मांग रहे थे। कहा कि मोदी क्या है लोग जानते हैं, राहुल गांधी उनकी जगह ले सकते हैं, राहुल गांधी गठबंधन का भी नेतृत्व कर सकते हैं। उधर अकाली दल ने आडवाणी को छोड़कर पहली बार मोदी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद दिवस के लिए आमंत्रित कर दिया है। गेम बदल रहा है। प्राइम टाइम हमारे साथ है नीरजा चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, आप कांग्रेस नेता हैं, मुख्तार अब्बास नकवी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, प्रेम शुक्ला जी हैं हमारे साथ, आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दोपहर का सामना,
नरेश गुजराल जी हैं, आप सांसद हैं अकाली दल के, केसी त्यागी साहब सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के। नरेश गुजराल साहब, आपसे ही पहला सवाल मैं करना चाहता हूं जब तक मुख्तार अब्बास नकवी आ जाते हैं, कि अभी आडवाणी को आप लोग अक्सर आडवाणी जी को बुलाया करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद दिवस की स्मृति जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर होता है, इस बार आपने मोदी को बुलाया है। हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं आप ये मौका तो नहीं देख रहे हैं कि आपकी पार्टी नीतीश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये एक मौके के रूप में तो नहीं देख रहे हैं कि चलिए हम जितने बचे हैं वही सब मिलजुल के नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों। देखिए, जहां तक किसी को आमंत्रित करने का सवाल है, ये आपको गलत फहमी है। इसका जो इन्विटेशन है वो पंजाब की लोकल बीजेपी देती है, अकाली दल नहीं देता है। ठीक है, और ये फंक्शन भी लोकल बीजेपी करती है। ये मुझे कहने और ये उनका हक है, वो जिसको मर्जी बुलाए। उसमें हमारी दखल अंदाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वैसे मोदी जी पंजाब में आए जी, आए, हम तो उनका वेलकम करेंगे। वाह, हम जो जिस तरह से बीजेपी की मदद कर सकते हैं पूरी तरह मदद करेंगे। एक सेकंड, कैसे उनकी बात पूरी कर लेंगे। नरेश जी, नरेश जी जी, आप बात पूरी कीजिए नरेश जी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां तक बीजेपी का सवाल है वो अंदर क्या करते हैं उसमें अकाली दल की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। जिस तरह से बीजेपी कुमार को नरेंद्र मोदी से आपत्ति है, क्या उस आधार पर आपको है? हमें बीजेपी ने सब एनडीए पार्टनर्स को एक आश्वासन दिया था कि जब कभी वो फैसला करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री के लिए किसे प्रोजेक्ट करना है तो सब एनडीए के पार्टनर्स को पूछा जाएगा। ठीक है, आज तक उन्होंने किसी का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया है। जब कभी वो सिचुएशन आएगी तो हमारी आपस में कंसल्टेशन होगी और फैसला करेंगे कि किसको आगे करना है या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार की यह दलील है कि जब उन्हें चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन चुना गया तो वो दृश्य ऐसा बता रहा था। टेक्निकल बात में तो सही है, लेकिन जो परसेप्शन अवधारणा की बात है नरेश जी, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही अब बीजेपी के नेता हैं। हम ये जानना चाहते हैं, क्या आपकी कोई ऐसी, आपकी पार्टी की कोई सार्वजनिक आपत्ति है नरेंद्र मोदी को लेकर पहले से? हमारी हम ना किसी के हक में है ना हम किसी के खिलाफ है। बीजेपी का अंदरूनी मामला है। जो फैसला वो करेंगे आप वो उनका हक बनता है।